एक बार की बात है, एक गांव में मोहन नाम का एक आदमी अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहा करता था। उसका एक चाय का छोटा सा ठेला था। मोहन स्वभाव से बहुत ही मददगार और दयालु था। मोहन जो कुछ भी कमाता उसी से अपने परिवार का गुजारा करता था। वो हर सुबह गांव के चौराहे के पास जाकर अपना ठेला लगाता। उसकी चाय लोगों को बहुत ज्यादा पसंद थी और इसी कारण उसकी दिन भर अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। वो हमेशा ही भिखारियों को मुफ्त में चाय दिया करता था। एक दिन एक गांव का आदमी मोहन के पास आता है और वो मोहन से, मोहन भाई, मुझे कुछ रुपयों की जरूरत थी, मैं आपके रुपए 2 दिन में लौटा दूंगा। आपको कितने रुपए चाहिए? जी मुझे 500 रुपए चाहिए। ये लीजिए काका। मोहन उस आदमी को बिना कुछ सोचे समझे ही पैसे दे देता है। मोहन को हमेशा ही दूसरों की मदद करना अच्छा लगता था। तभी रमन नाम के एक आदमी ने मोहन और उस गांव के आदमी की बात सुनी और वो मन ही मन, क्यों ना मैं भी इससे पैसे मांग कर देखूं? अगर उस आदमी को ये रुपए एक बार में दे दे रहा है तो मुझे भी जरूर देगा। रमन झट से मोहन के पास आया और वो मोहन से, मोहन भाई, मुझे कुछ रुपयों की जरूरत थी, क्या आप मेरी मदद करोगे? लेकिन भाई आप कौन हो? मैं तो आपको जानता तक नहीं हूँ, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? भाई कृपा करके मेरी मदद कीजिए, मुझे 1000 रुपए की सख्त जरूरत है। मेरा बच्चा बीमार है, उसे अस्पताल ले जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं यही पास के गाँव में रहता हूँ मोहन भाई। ठीक है, ये लो भाई 1000 रुपए। 3 दिन बाद वो आदमी मोहन को 1000 रुपए के बदले 1200 रुपए लाकर देता है। तभी मोहन उस आदमी से, अरे भाई मैंने तो आपको सिर्फ 1000 रुपए ही दिए थे, ये मुझे आप 1200 रुपए क्यों दे रहे हो? क्योंकि आपने मेरी जरूरत के समय मेरी मदद की है, जब कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा था। आपकी मदद के कारण मैं अपने बच्चे को अस्पताल लेकर गया। ये 200 रुपए उसकी बख्शीश समझ कर रख लीजिए। मोहन ने उस आदमी से वो पैसे ले लिए और उसकी मिठाई खरीदी और अपनी पत्नी को लेकर गया। उसने घर जाकर अपनी पत्नी को ये सारी बात बताई। इस बात से उसकी पत्नी भी बहुत ज्यादा खुश हुई। धीरे धीरे कर ये बात सारे गांव में फैल जाती है कि मोहन हमेशा ही जरूरतमंद लोगों की मदद करता है। अब लोग मोहन से मदद लेने लगे, लेकिन साथ ही पैसे के रूप में वो बख्शीश भी देने लगे। अब उसके चाय की टेस्ट और उसके बातों के मिठास के कारण धीरे धीरे मोहन के चाय का धंधा जोरों से चलने लगा। ऐसे करते करते मोहन अब बड़ा आदमी बन गया। उसने खुद की एक चाय की दुकान खरीद ली और साथ ही लोगों को ब्याज पर पैसे भी देने लगा। मोहन एक बड़ा आदमी बन गया, लेकिन उसने अपने चाय बेचने का काम कभी नहीं छोड़ा और जरूरतमंदों की हमेशा मदद करता रहा। लाजपत नगर में विजय नाम का एक लड़का अपने पिता किशन और माँ मालती के साथ रहा करता था। किशन रिक्शा चालक था और मालती शिक्षक हुआ करती थी। विजय के पैदा होने के बाद उसने काम छोड़ दिया था ताकि वो पूरा समय विजय पर ध्यान दे सके। शायद यही कारण था कि विजय पढ़ने लिखने में रुचि रखता था। आर्थिक तौर पर वे ज्यादा कमाते तो नहीं थे, पर उसकी पढ़ाई लिखाई में किशन और मालती ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। एक दिन की बात है। बेटा विजय, क्या कर रहे हो? पापा, मैंने ये किताब लाइब्रेरी से ली है, इसमें बहुत से सफल लोगों की कहानियां हैं, डॉक्टर, इंजीनियर्स, बिजनेसमैन और हाँ आईएएस ऑफिसर, सभी के बारे में लिखा है इसमें। अच्छा, आईएएस से याद आया, एक समय मैं भी उसकी पढ़ाई किया करता था बेटा, लेकिन तुम्हारे दादाजी के देहांत के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आ गई, इसलिए मुझे रिक्शा चलाना पड़ा। विजय को यह बात बिल्कुल रास नहीं आई। उसने जैसे इस बात को गलत साबित करने की ठान ली हो, और इसी कारण वो अपने पिता से, पापा मैं आईएएस की परीक्षा में अव्वल आके आपका नाम जरूर रोशन करूंगा। हाँ जरूर विजय, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। किशन ने विजय की बात को बचपना समझ के छोड़ दिया था, पर जैसे जैसे विजय बड़ा होता गया वैसे ही उसका फैसला पक्का होता गया। घंटों तक वो किताबें लेकर बैठता था, बस तभी उठता था जब उसे अपने माँ पिताजी का कुछ काम करना हो या फिर भोजन करना हो। इससे चिंतित होकर उसकी माँ उससे, बेटा विजय तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, तुम्हारे दोस्तों से मिलो, थोड़ी बाहर की ठंडी हवा खाओ। माँ मैं ये सभी किताबें दूसरों से उधार लेकर पढ़ता हूँ, मुझे ये सिलेबस इसी महीने में खत्म करना होगा, तो बाहर घूमने का समय कहाँ माँ? मालती को विजय का ये जवाब अब याद हो गया था।
उसकी लगन के आगे अब वो भी हार चुकी थी। एक साल में ही विजय परीक्षा के लिए बैठने वाला था कि तभी एक दुर्घटना हुई जिसने विजय की जिंदगी को पूरी तरह से हिला दिया था। किशन को दिल का दौरा पड़ा और बड़ी मुश्किल से विजय और मालती उसे अस्पताल लेकर जा पाए। बेटा अब क्या होगा, तेरे पिताजी को तो फिर से अटैक आ गया। मालती अपनी सुध-बुध खो रही थी। विजय भी बहुत चिंता में था क्योंकि किशन को पहले भी एक बार दौरा आ चुका था। अब डॉक्टर ने किशन की जांच पड़ताल की और फिर विजय और मालती से, इनकी हालत देख के हमें तो लगता है कि इनको ऑपरेशन जल्द ही करना होगा, और जैसे कि आप जानते हैं उसके लिए बहुत सारे पैसे भी लगेंगे। डॉक्टर साहब आप पैसों की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं उसका इंतजाम कर दूंगा, आप बस पिताजी का ऑपरेशन करवा लीजिए। विजय ने डॉक्टर से कह तो दिया था कि वो जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम कर लेगा, पर उसके माँ के जेवर और पिताजी की जमा पूंजी के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था। विजय अभी पढ़ रहा था और इस कारण वो कमाता नहीं था कि तभी उसकी माँ ने मायूस होकर उससे कहा, काश मैंने नौकरी ना छोड़ी होती तो इनके ऑपरेशन के लिए आज पैसे कम नहीं पड़ते। माँ तुम पैसों की चिंता बिल्कुल मत करो, मैं कुछ भी करके पैसे ला दूंगा। विजय ने अपने जान पहचान के लोगों से कुछ पैसे उधार लिए इस वादे से कि वो जल्द से जल्द सभी के पैसे लौटा देगा। फिर भी कुछ पैसे कम पड़ रहे थे। पिताजी की रिक्शा जिसे वो सिर्फ दूर से देखा करता था, आज उसे चलाने के लिए विजय उसके अंदर बैठ जाता है। मन में डर और दुख भरा था पर उसने हिम्मत नहीं हारी थी और लोगों से कहने लगा, अगले नगर या पास की गली में आपको जहाँ भी जाना होगा किशन का ये बेटा आपको वहाँ पहुँचा देगा। तभी एक गांव के काका उसके पास आए और उससे, बेटा मुझे अगले नगर में अपनी बेटी से मिलने जाना था लेकिन उतने दूर जाने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा, क्या तुम मुझे वहाँ ले जा सकते हो? जरूर काका, क्यों नहीं, मुझे पैसों की जरूरत है इसलिए आप जहाँ कहेंगे मैं वहाँ आपको लेकर चलता हूँ। तुम पैसों की चिंता मत करो, मैं तुम्हें जितना चाहिए उतने पैसे दे दूंगा। काका विजय के रिक्शा में बैठ गए और फिर दोनों चल पड़े। सफर में उन दोनों की खूब बनी। विजय ने काका को अपने IAS के पढ़ाई के बारे में बताया और काका ने अपनी बेटी के बारे में जो IAS के लिए विजय जैसे बहुत से बच्चों को पढ़ाती है। नगर आने पर काका रिक्शा से नीचे उतर जाते हैं और विजय को भाड़ा देते हैं। अरे अरे काका ये क्या, आपने तो 100 रुपए ज्यादा दे दिए मुझे, मैं अपने पिता की रिक्शा में हमेशा मेहनत के पैसे ही लेना पसंद करता हूँ। काका विजय की ईमानदारी से बहुत प्रसन्न थे और इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी से कहकर उसे कुछ किताबें मुफ्त में पढ़ने को दे दी। बेटा मैं तुम्हारे संघर्षों का भागीदार तो नहीं बन सकता, हाँ पर तुम्हारे लक्ष्य को हासिल करने में तुम्हारी मदद जरूर कर सकता हूँ। काका आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पता नहीं चल रहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूँ। पढ़ लिख कर अपना और देश का नाम रोशन करके। विजय खुशी खुशी वहां से चला गया। विजय ने अब रिक्शा चला के पैसे जुटाना शुरू कर दिया और इसीलिए वो दिन भर ऑटो चलाता और रात को पढ़ाई करता था। अब विजय रात को सिर्फ 4 घंटे ही सोता था। बहुत ही कम समय में उसने अपने पिता के ऑपरेशन के लिए जरूरत जितना पैसा इकट्ठा कर लिया और जल्द ही किशन का ऑपरेशन सफल रहा, परंतु उसे अभी रिक्शा चलाने की मनाही थी इसीलिए विजय ही अपने पिता की रिक्शा को चलाया करता था। बेटे मुझे माफ कर देना, तुम्हारे एग्जाम के समय ही मैं बाधा बन के बैठा हूँ तुम्हारे लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है पिताजी, मुझे ये मेरा सौभाग्य लगता है कि मैं आपकी देखभाल करने में सक्षम हूँ। आप मेरी परीक्षा की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अपना 100% देने वाला हूँ। विजय के दृढ़ निश्चय से उसके पिताजी भावुक हो गए और उससे, तुम जरूर सफल होगे बेटा। दिन बीत रहे थे। विजय दिन भर ऑटो चलाता और रात को दिन बनाकर पढ़ाई करता था। ऐसे ही उसकी परीक्षा का दिन आया। विजय को पता था कि वो इस मौके को हाथ से जाने नहीं दे सकता और इसीलिए उसने पूरी तैयारी कर ली थी। उसकी परीक्षा खत्म होने के बाद उसके पूरे परिवार को उसके रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार था। क्या विजय पास होने वाला था या फिर फेल? एक दिन मालती भगवान के सामने दिया लगाकर, तभी एक बच्चा दौड़ कर आता है और वो मालती से, मौसी मौसी भैया का रिजल्ट आ गया। मालती दौड़ते हुए उस बच्चे की ओर जाती है और फिर विजय को देखती है।
जिसकी आंखों में आंसू भर आए थे। माँ, मैं पास हो गया हूँ माँ। मालती विजय को गले लगा लेती है और फिर विजय अपने पिताजी का आशीर्वाद लेता है। पिताजी, आपके और माँ की मेहनत के बिना ये मुमकिन नहीं था पिताजी। बेटा, ये तुम्हारी लगन और पढ़ाई का असर है। मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटा। ऐसे ही अपनी नेक दिली से लोगों की जिंदगी बेहतर बनाना। विजय ने आईएएस ऑफिसर बन लोगों की मांगे सुनी, उनकी मदद करता रहा, उनकी जिंदगी बेहतर करने की कोशिश करता रहा। जिंदगी में उसने बहुत मेहनत की और तो और सालों पुराना एक एग्जाम भी चुका दिया। पापा, आपके लिए पत्र आया है। उस पत्र में एक छोटा सा धन्यवाद लिखा था और 10,000 का चेक भी, जो काका के कोचिंग क्लास के नाम दिया गया था। मेरे लिए खत? वाकई में मैं एक फरिश्ते से मिला था। हाँ बिल्कुल पापा, इस बात में कोई शक नहीं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी लगन और मेहनत ही हमारी सफलता का सबसे बड़ा सबूत होती है। और तो और ये सीख भी मिलती है कि हमारे अच्छे काम हमें कभी निराश नहीं करते।